हेलो, दिस इज दीक्षा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स अगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, इज नॉट इज द इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली। मीन्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, जो आफ्ताब है वह अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 ईयर्स अगो मैं क्या था, तुमसे तुम्हारी जो आयु है उससे 7 गुना था, और अब से 3 साल बाद यदि हम बात करें तो मेरी एज क्या हो जाएगी, तुम्हारी आयु के 3 गुनी रह जाएगी। तो ये जो सिचुएशंस हमें दी हुई हैं इन्हें हमें अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी कि बीजगणितीय रूप में एंड ग्राफीय रूप में दोनों ही तरीके में व्यक्त करके दिखाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बताऊंगी किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस तरह से आप सॉल्व लिख लेंगे, यदि आप हिंदी मीडियम से है तो हल लिखेंगे। फिर हमें क्या करना है, आप इस तरह से लिख लें, माना कि आफ्ताब की एज एक्स और उसकी बेटी की एज कितनी है वाई है। इस तरह से लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हमने एक को एक्स और एक को वाई माना है, क्योंकि यहाँ चैप्टर का नाम ही है क्या है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, दो वेरिएबल्स एक एक्स और एक वाई को यूज़ किया है। आफ्ताब की एज को हमने कितना मान लिया है एक्स, एंड हिज डॉटर उसकी जो बेटी है उसकी एज को हमने कितना मान लिया है वाई मान लिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 ईयर्स अगो यानी 7 साल पहले जो आफ्ताब है उसकी एज उसकी बेटी की एज से 7 गुना थी। तो पहले हम इनकी प्रेजेंट एज से इनकी 7 साल पहले की एज को निकाल लेंगे। तो 7 साल की एज पहले निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी प्रेजेंट एज में से 7 को माइनस कर देंगे। जैसे यदि आपसे कहे कि आपकी प्रेजेंट एज कितनी है 16 ईयर्स है, तो 7 साल पहले आप कितने छोटे थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रेजेंट एज में से जितने भी साल पहले पूछा जा रहा है उसको माइनस कर देंगे। और यदि बाद पूछा जाएगा तो हम क्या करते हैं, उतने ही ईयर प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 7 ईयर्स बिफोर निकालना है। तो हम इस तरह से लिख देंगे, 7 ईयर्स अगो एज ऑफ आफ्ताब, तो आफ्ताब की एज कितनी मानी हमने x मानी है, तो 7 ईयर्स बिफोर क्या हो जाएगा x माइनस 7, एंड उसकी जो डॉटर की एज है यानी कि एंड एज ऑफ हिज डॉटर, तो जब उसकी डॉटर की एज निकालेंगे तो हमने कितना माना है y माना है, तो y में से भी हम क्या करेंगे 7 को माइनस कर देंगे। इस तरह से इनकी 7 ईयर्स बिफोर की एजेस हमें पता चल गई हैं। तो जो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको जमा लेते हैं। आप यदि हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार, और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। तो प्रश्न के हिसाब से क्या कहा जा रहा है यहाँ पे हमको, जो आफ्ताब की एज है उसकी बेटी की एज से कितना गुना, 7 गुना। आप खुद भी सोचें, ये आफ्ताब की एज है तो ये क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो उसकी बेटी की एज है वो क्या होगी, कम होगी। इन दोनों को हमें इक्वल बनाना है, तो इक्वल कब बनेगा, जब कम वाली वैल्यू में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमें 7 करना है। आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो कि 7 का मल्टीप्लाई किस साइड करना है। अब आगे हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, एक्स माइनस 7 इक्वल 7y माइनस 49। वेरिएबल्स को हमने एक साइड कर लिया है एंड जो नंबर्स हैं इन्हें एक तरफ कर लेंगे, माइनस का 7 वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक्स माइनस 7y इक्वल में जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे 49 को एंड 7 को, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इस तरीके से 49 में 7 जाने पर हमारे पास बच जाएगा 42, एंड बड़ी डिजिट का हम साइन लगा देंगे इस तरह से। ये एक कंडीशन जो थी क्वेश्चन में उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 3 ईयर्स के बाद, वो क्या कह रहा है कि 3 साल के बाद मेरी एज क्या हो जाएगी, तुम्हारी एज की 3 गुना हो जाएगी। तो अब हम अगेन इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगेन हम क्या करेंगे 3 साल के बाद वाली एज निकाल लेंगे, यानी कि आफ्टर 3 ईयर्स या 3 ईयर्स हैंस एज ऑफ आफ्ताब, यदि हम आफ्ताब की एज निकालेंगे तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज है कितनी एक्स, तो इसमें हमको 3 साल जोड़ देना है। तो इस तरह से आफ्ताब की एज निकल गई है। अब उसकी डॉटर की एज निकालेंगे, हिज डॉटर
एज इक्वल टू उसकी डॉटर की एज हमने कितना माना है स्टार्टिंग में y, तो इसमें 3 साल जोड़ेंगे तो 3 साल बाद की एज निकल जाएगी। अब यहाँ पर भी हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन है उससे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम फिर से लिख लेते हैं इस तरह से, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि उसकी जो एज है उसकी बेटी की एज के 3 गुना हो जाएगी। तो सेम वही, उसकी एज ऑलरेडी क्या है, उसकी बेटी से ज़्यादा है, तो यहाँ पर इक्वल हमें साइन करना है, तो उसकी जो कम वाली एज होगी उसी में हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो उसकी बेटी की एज क्या है, कम है, तो उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी पॉसिबल है कि ये इक्वेशन इसके इक्वल हो पाएगी। और यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लाई किस साइड हमें करना है। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस थ्री एज इट इज़ सेम रहेगा, 3y प्लस 3 3 9। सॉल्व करते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं और डिजिट को एक साइड, तो 9 माइनस 3, तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, x माइनस 3y इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 6। आप देख सकते हैं ये मिल गया है हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इस तरह से एल्जेब्रिकली हमने इसको लिख दिया है, यानी कि बीजगणितीय रूप में लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली भी लिखना है। एक्स एंड वाई की वैल्यू आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सभी मेथड्स अच्छी तरह से एक्सप्लेन की हैं, ग्राफिकली मेथड एंड एल्जेब्रिक मेथड्स सभी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग ने यदि वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लें। यहाँ एक्सरसाइज 3.1 में हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करेंगे और उसी से एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को निकालेंगे। एग्जाम में यदि आपको किसी भी मेथड का नाम नहीं दिया हुआ होता है तो जो भी मेथड आपको इजी लगती है या जो भी मेथड आपकी फेवरेट है आप उससे उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए यदि हम क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, एक्स या वाई में से किसी एक के प्लेस पर वैल्यूज़ को पुट करना होता है और दूसरे की वैल्यू निकालनी होती है। तो पहले हम इनको थोड़ा इजी कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ले लेते हैं पहले। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 42 एंड ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा हमें, प्लस का 7। अब हम x के जो प्लेस पर रखेंगे 0 1 2 3 जो भी प्लेस वैल्यू रखना चाहे वो रख सकते हैं और उसकी हेल्प से क्या निकालेंगे, y की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं, 3 सॉल्यूशंस रखते हैं जिनसे इक्वेशन हमारे पास बनेंगी। फर्स्ट हम रखते हैं यहाँ पर इस तरह से, पहले टेबल बना लेंगे एंड वैल्यूज़ को पुट करेंगे। x की वैल्यू पहले पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू पहले -7 देन 0 फिर +7 रखेंगे। ऐसे ये वाली इक्वेशन को हम इजी कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 3 वाई एंड यहाँ पर भी हम एक्स की वैल्यू रखेंगे और उससे की हेल्प से वाई की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यूज हम क्या रखेंगे, 6 3 एंड 0। आप जो भी वैल्यू रखना चाहें उसे पुट कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आपको वैल्यूज रख के वाई की वैल्यू निकालना है। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू पहले -7 रखते हैं, तो -7 इक्वल टू -42 प्लस 7 वाई। सॉल्व करेंगे, माइनस का 42 यहाँ आकर किसका हो जाएगा, प्लस का 42 इक्वल में हमारे पास है 7 वाई। प्लस माइनस माइनस होता है, तो इस तरह से 42 में से जब 7 जाएगा तो हमें मिल जाएगा 35 इक्वल में 7 वाई। ये प्लस की डिजिट है तो प्लस का साइन रहेगा, 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से y इक्वल टू 35/7 यानी कि 5 वैल्यू हमें मिल गई है। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें कितनी मिली है, -7 रखने पर 5 मिली है। अब आगे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमने कितना रखा था -7, अब हम कितना रख लेंगे, 0 रख लेंगे। तो 0 रखने पर देख लेते हैं हमारे पास कितना मिलता है, 0 इक्वल टू माइनस का 42 प्लस 7 वाई एज इट इज़ सेम रहेगा। माइनस का 42 यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा, साइड चेंज होने पर क्या होता है, प्लस की डिजिट हो जाती है माइनस में, माइनस की डिजिट प्लस में, इस तरह से मल्टीप्लाई की चली जाती है डिवाइड में एंड डिवाइड की डिजिट हो जाती है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की डिजिट डिवाइड में, तो वाई इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 42/7 यानी कि 7 6 42। 0 रखने पे वैल्यू मिल गई है 6। अब आगे आप देख सकते हैं हमें 7 रखना है, 7 इक्वल टू -42 प्लस 7 वाई। सॉल्व करेंगे, प्लस में आ जाएगा तो 42 एंड 7 कितना हो जाएगा, 49 इक्वल टू 7 वाई। वाई इक्वल टू 49/7, तो इस तरह से हमें मिल गया है 7। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हमने -7 0 7 ही क्यों रखा, हम और छोटी डिजिट भी ले सकते थे, यानी कि 1 2 0 तो हमने ले ही लिया था माइनस का 1। तो आप ये ध्यान रखें, यहाँ पे हमें डिजिट दी है 42 एंड 7। जब हम यहाँ पे 1 या 2 रखते हैं तो सॉल्व करने पे डिजिट पूरी पूरी कट नहीं हो रही है,
तो इस तरह से हमने कुछ ऐसी डिजिट्स रखी हैं जिनको सॉल्व करना इजी हो और x और y के जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के काफ़ी करीब हो, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाते हैं एक वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी और एक वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो ग्राफ बनाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, और जब क्लोज वैल्यूज़ आ जाती हैं तो उनका ग्राफ इजीली बन जाता है। चलिए अब हम यहाँ पर इस वाले इक्वेशन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू 6, 3 और फिर हम 0 रखते हैं, एक्स की प्लेस पे रखेंगे 6 इक्वल टू 6 प्लस 3 वाई, 6 यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा एंड 3y, तो इस तरह से 3y इक्वल टू हमें कितना मिल गया है 0, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 0। आगे हम रखते हैं 3, 3 रख लेंगे इक्वल टू 6 प्लस 3y, 3 यहाँ 6 आएगा तो माइनस में और ये 3y, जब हम माइनस करेंगे तो बड़ी डिजिट का साइन लग जाएगा तो y की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा माइनस का 3/3, कट करेंगे तो माइनस का 1 हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेते हैं, अब 0 लिखेंगे, 0 इक्वल टू 6 प्लस 3y, सॉल्व करेंगे 6 यहाँ आएगा माइनस का हो जाएगा अपॉन में 3, कट करने पर हमें मिल जाएगा माइनस का 2। आप देख सकते हैं y की वैल्यू आ गई है माइनस का 2। इस तरह से अब हमें ये जो भी बॉक्सेस मिल चुके हैं, x और y की अलग अलग वैल्यूज़ मिल गई हैं, उनकी हेल्प से एक ग्राफ बनाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से आपको ग्राफ बनाना है, ऐसे ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले -7 रखने पर हमें कितना मिला था 5, तो -7 एक्स की वैल्यू है और 5 हमें किसकी वैल्यू मिली है वाई, यहाँ साइड प्लस होता है और ये माइनस तो एक्स और ये होता है एक्स डैश एक्सिस, ऐसे ये वाई और नीचे वाला होता है वाई डैश, तो माइनस का 7 रखने पर कितना मिला है 5। इन्हें रूलर की हेल्प से हम इस तरह से मिला देंगे, 5 किससे मिला है हमें 7 को रखने पर, तो इस तरह से ये आपस में यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हम इस पॉइंट को नाम दे देंगे कि -7 रखने पे हमें मिला है 5। नेक्स्ट हमें 0 रखने पे मिला था 6, एक्स की वैल्यू हमने जब 0 रखी थी हमें मिला था प्लस का 6, तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल गया है, फर्स्ट वाली वैल्यू एक्स की एंड सेकेंड वाली किसकी होती है वाई की। नेक्स्ट 7 रखने पर हमें 7 मिला था, यानी कि 7 रखा था जब हमने तो हमें कितना मिला है 7, इस तरह से 7 रखने पर 7 मिला है। अब ये जो तीन डॉट्स हमें एक इक्वेशन के मिले हैं इन सभी को हम रूलर के हेल्प से आपस में मिला देंगे, इस तरह से आपस में हम इनको मिला देते हैं। अब नेक्स्ट वाली जो इक्वेशन है हम उसे देखते हैं, 6 रखने पर हमें कितना मिला था 0, देन 3 रखने पर मिला माइनस का 1 एंड 0 रखने पर मिला माइनस का 2, इस तरह से इनको हमने आपस में सभी को मिला दिया। आप देख सकते हैं दोनों ही इक्वेशंस को हमने ग्राफ पे सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, यदि कोई डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।